हेलो स्टूडेंट्स, तो मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएनआर क्लासेस में। तो चलते हैं आज की क्लास देख लेते हैं। ये क्लास मॉर्निंग सुबह 8 बजे वाली है, बीएससी फर्स्ट ईयर की। तो आज की क्लास में हम लोग क्या डील करेंगे, आज की क्लास में हम लोग चल रहे हैं हमारा पूरा का पूरा जो हमारा नॉन कोर डेटा था, तो नॉन कोर डेटा का सारा सारा करेक्टर मैंने कर लिया था पिछले 6 वीडियो में। हम लोग पूरा नॉन कोर डेटा के करेक्टर्स एंड उनके पूरे क्लासिफिकेशंस एंड उनके डीप डाइवर्सिटी सबको डील कर लिया गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइलम। फाइलम के पास क्योंकि हमको प्रोटोजोआ टू इकानोडर्मेटा पढ़ना है, तो दो पेपर इसमें आते हैं। मतलब कि यहां तक हम क्या करेंगे कि हमारे नॉर्मल जो फर्स्ट पेपर हैं हम उनके लिए आज से कह सकते हो कि प्रोटोजोआ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ के क्या देखेंगे, उसका जनरल कैरेक्टर देखेंगे, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसका जनरल अकाउंट देखेंगे, फिर उसके बाद जाके हम एनिमल्स को पढ़ेंगे। तो चलिए आज इसमें बता दिया जाएगा इसी वीडियो में कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो कमेंट करते रहिएगा जैसा आपका होगा, लास्ट में हमारी टेक्निकल टीम आपको कमेंट रिसीव कर लेगी। वैसे मैं कमेंट देखना बंद कर दिया हूं क्योंकि बच्चे लगातार कमेंट करते हैं, तो जो क्लासेस 1 घंटे के होते हैं वो 2 घंटे हो जाते हैं, जो 30 मिनट की क्लासेस है वो 50 मिनट का हो जाएगा, तो टाइम आपका जाता है, इसलिए कमेंट को ज्यादा हम ध्यान नहीं देते। बट आप ध्यान अपना देंगे, जो भी कमेंट होगा नीचे लिख देंगे, नहीं तो बाद में कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक। तो आपका कमेंट जो भी जैसा होगा टेक्निकल टीम उसको सपोर्ट कर देगी। तो चलते हैं आगे आज के क्लास को, ठीक। उससे पहले यदि आपको वीडियो या किसी के माध्यम से मिला हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मैं लगातार अपडेट कर सकूं और आप अच्छे तरीके से क्या आप अच्छे तरीके से उस वीडियो को कंप्लीट कर सके। तो चलिए, ये देख पा रहे हैं आप मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल, दो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, एक बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर ठीक बीएससी लास्ट ईयर के लिए, जिसमें हम जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में फिजिक्स और मैथ भी आ जाए, लेकिन हाँ उसके बाद हमारा वीएनआर क्लासेस 2.0 है, उसपे हम लोग क्लास 9 to 12 की बात करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पे, ठीक। अभी आप जितने भी अभी तो बीएससी में आप पहले साल आए हो, अभी आपका इंटरमीडिएट रहा है, ठीक। तो आपके जो भी आपके जूनियर्स होंगे उनको रिकमेंड कर सकते हो वीएनआर क्लासेस 2.0, जिसमें हम लोग पूरा पूरा साइंस एंड मैथ को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं आगे। आपको बता दूं कि ये मेरे कुछ कोर्सेस हैं, क्या ये मेरे कुछ कोर्स हैं, आप देख पा रहे हो। पहले कोर्स जो हमारा वीएनआर क्लासेस है, ठीक, ये वीएनआर क्लासेस की बात कर रहे हैं कि वीएनआर क्लासेस का स्पेशली 2.0, कौन सा 2.0 सीरीज जो है, दूसरा हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वो इसको रिकमेंड करता है। एंड उसके बाद हमारा जो आप जहां पे देख रहे हो वीएनआर क्लासेस की बात कर रहे हैं, ये वीएनआर क्लासेस जहां पे वीडियो आप देख पा रहे हो ये हमारा टोटली बीएससी के लिए आता है। एंड हमारा तीसरा यूट्यूब चैनल हो सकता है कुछ दिनों में लॉन्च कर दिया जाए, वो टोटली एमएससी को रिकमेंडेड होगा, रिकमेंडेशन किया जाएगा एमएससी के सिलेबस के लिए, ठीक। वो उसको हम लोग क्या करेंगे, वीएनआर क्लासेस मास्टर के नाम से चलाएंगे, क्योंकि वहां पे मास्टर डिग्री के सारे कोर्सेज को कराया जाएगा, इसलिए वो वीएनआर क्लासेस मास्टर के रूप में काम करेगा, ठीक। एंड ये जो हमारा यूपीएससी ऑप्शनल है, हो सकता है वीएनआर यूपीएससी के नाम से कुछ दिनों में आपको चैनल मिल जाए, जिसपे आप अभी बीएससी फर्स्ट ईयर से पूरे के पूरे यूपीएससी के जूलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप उस चैनल के साथ जा सकते हैं। तो इन तीनों प्रोसेस या चारों कह सकते हो चारों चैनल्स को मिला के हमारे पास एक हमारा खुद का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना ना भूलिए। तो विजिट कीजिए प्ले स्टोर से जाइए, वीएनआर क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए। ये कितने का है, ये ज्यादा नहीं 31 MB का है, आने वाले दिनों में पूरा का पूरा डेवलप करा दिया जाएगा, अभी कुछ कोर्सेस वहां पे लगा दिए गए हैं, आप भी अपने कोर्सेस को ले सकते हैं। इस कोर्सेस में आपको पीडीएफ, डाउट क्लासेस की लाइव जूम क्लासेस एंड वहां पे एमसीक्यू सीरीज एंड प्रहलाद स्पेशल सीरीज जो एग्जाम सपोर्ट के लिए आता है 35 क्वेश्चन का, वो भी आपको दे दिया जाएगा। तो चलते हैं, आपका हाल चाल हो गया, आप ठीक ठाक होंगे, सभी को हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, अच्छा लगेगा हमको भी। तो चलते हैं आज हम लोग पढ़ लेते हैं क्या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करते हैं, कि एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट होता है वो कैसा है और इसमें जो हमारा प्यारा प्यारा प्रोटोजोआ है वो कैसा है। प्रोटोजोआ हमारा पहला फाइलम होने वाला है, क्या प्रोटोजोआ हमारा फाइलम भी है, प्रोटोजोआ हमारा किंगडम भी है, इस चीज को ध्यान देना, क्या प्रोटोजोआ हमारा सब किंगडम के नाम देते हैं, सब किंगडम भी और फाइला भी है, कभी इसके चक्कर में बच मत जाना कहीं,
कभी फाइलम बोल दिया जाए तो ऐसा मत समझना कि ये कोई हमारा सब किंगडम नहीं है, क्योंकि प्रोटोजोआ हमारा सब किंगडम भी होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कंटेंट स्ट्रक्चर्स की। आखिरकार जो हमारा प्रोटोजोआ है उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, बड़ा जरूरी है। क्यों? ये जो कंटेंट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, क्या कंटेंट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स आने वाले मेरे 2022 की जितने भी बुक हैं वो उसी का कंटेंट स्ट्रक्चर्स है। बुक को कंप्लीट कराया जा रहा है, आप शायद सेकेंड ईयर में हो तो हमारे कोचिंग से खुद का आपको बुक मिल जाएगा, किसी राइटर को रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां हम लोग आपके बीएससी को सारा ध्यान रख के हर एक प्रक्रम पे काम किए हैं, चाहे वो हमारा थ्योरी जोन रहा हो, चाहे हमारा मल्टीपल चॉइस जोन रहा हो, चाहे वो एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा हो, चाहे वो आपके लिए अगले तैयारी के लिए, चाहे एमएससी के लिए, चाहे सीएसआर नेट के लिए, चाहे यूजीसी नेट के लिए बात करें, चाहे हमारा यूपीएससी ऑप्शनल की बात करें, ठीक एमएससी की बात करें, बीएचयू डीएयू इलाहाबाद, सबको कंबाइन करके एक नोटबुक बनाया जा रहा है, एक टेक्स्ट बुक बनाया जा रहा है, जो आपको आने वाले दिनों में काफी प्रॉफिट पहुंचाने वाला है। तो ये उसी का कंटेंट स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले क्या देखना है, पहले हम देखेंगे प्रोटोजोआ का यहाँ पे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, जनरल कैरेक्टर के बाद तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे जनरल कैरेक्टर के बाद हमारा क्लासिफिकेशन आएगा, वो भी जनरल फॉर्म में, कॉम्प्लिकेटेड भी है जनरल भी है, लेकिन जनरल को पढ़ना ज्यादा जरूरी है, कॉम्प्लिकेटेड उतना नहीं आता, क्योंकि एमएससी यदि आप करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन का पूरा कंप्लीट कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे जनरल क्लासिफिकेशन ही आपके लिए बहुत हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट्स में, चौथे पॉइंट में हमको क्या देखना है, जनरल अकाउंट देखना होगा, जनरल अकाउंट के तहत क्या क्या देखना होगा, यहाँ स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन देखना होगा, फंक्शंस बॉडी देखना होगा, एंड हमको न्यूट्रिशन देखना होगा, ठीक। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशंस की बात करेंगे, यहाँ पे एक्सक्रेशंस, रिस्पायरेशंस, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पांस, रिप्रोडक्शंस, ठीक, तो सबको देखा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला की बात कर लेंगे, कि सिलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, फंक्शंस कैसे करते हैं, ये सब जो है हम लोग जीए में बात करेंगे, यानी जनरल अकाउंट के अंतर्गत इसको देखेंगे। एंड लास्ट हमारे पास बचता क्या है, हम लोग सिलिया जब देख लेंगे, हम लोग फ्लैजेला देख लेंगे, तो हमारे पास लास्ट स्टेप आता है जिसका क्या नाम है यहाँ पे, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ स्पोरिया। ये अमीबा में, हमारा सिलिया किस में, हमारा सिलिया जो होगा पैरामीशियम में, फ्लैजेला यूग्लेना में, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को डील करेंगे, क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लोगों को डील करेंगे भाई साहब, कि इंपॉर्टेंट एनिमल कौन कौन है। इस इंपॉर्टेंट एनिमल में हमारे पास सबसे पहले यूग्लेना वेरिडिस आएगा, क्या आएगा, यूग्लेना वेरिडिस आएगा। उसके बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट एनिमल है जो हमको पढ़ाया जाता है बीएससी फर्स्ट ईयर में, वो है पैरामीशियम कॉर्डेटम है, ठीक। उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या आता है, मोनोसिस्टिस एजिलस है, तो एजिलस की बात करेंगे बेटा। देखो ये तीन तो है, ठीक, ये तीन एनिमल यूपी के नहीं, इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, ये तीन एनिमल इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना, कुछ लोग तो हमारे एक्सेप्शन होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होंगी, आप भी होंगे उसमें से, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी इन तीनों को भी कहीं ना कहीं कंप्लीट करने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा एनिमल्स को चूज कर लेती है अपने सिलेबस में। तो अब उसके बाद कुछ ऐसे यहाँ पे अगले पॉइंट्स में जाएगा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है ये राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें खास कर देता है, महाराष्ट्र की जो यूनिवर्सिटी है उसमें देता है, उड़ीसा की कुछ यूनिवर्सिटी है, कुछ कलकत्ता की यूनिवर्सिटी है, ठीक, पश्चिम बंगाल वाली, उसमें भी काफी बच्चे बोलते हैं सर कि हमारे में ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस भी है, तो आप यहां से रिकमेंड कर सकते हो। वैसे बीएससी एक बार पढ़ लोगे तो आराम रहेगा, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर में भी दोबारा इसको पढ़ना है। ओके, उसके बाद हमारे पास प्लाज्मोडियम क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आ जाएगा, तो वाइवेक्स भी आपको पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास अमीबा प्रोटियस आएगा, अमीबा को भी हम पढ़ा देंगे समरी के बेसिस पे। उसके बाद हमारा सातवां क्या आता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये सात एनिमल होंगे, इंपॉर्टेंट एनिमल होगा। और लास्ट में हम लोग समरी देखेंगे, समरी में क्या देखेंगे, टर्मिनल क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, ताकि इसमें हम लोग कम से कम आपके लिए 30 क्वेश्चन लाएंगे जो आपके लिए वेरीफाई होगा। ये रहा इंट्रो, ध्यान देना पूरा पूरा प्रोटोजोआ इसी पे चलेगा। और बता दूं इसमें से कुल मिला के कम से कम बेटा ना, कम से कम 35 प्लस क्लास बनने वाले हैं, कितने 35 प्लस क्लास बनने वाले हैं केवल केवल प्रोटोजोआ के अंतर्गत, क्योंकि मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और एक बार पढ़ लोगे ना आगे मजा देगा पूरी लाइफ भर, यदि जूलॉजी पढ़ने आए हो
तब अब चलते हैं आगे, ये आप स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, वैसे मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया है। आगे चलते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में उनको क्या क्या देखना है, आखिरकार हम प्रोटोजोआ क्यों पढ़े, हम प्रोटोजोआ पढ़े क्यों, पहले इसको देख लेते हैं। आखिरकार पढ़ने के बाद हमको मिलेगा क्या, बोल क्या रहा है कि आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट, मतलब ये पूरा जो यूनिट है इसको पढ़ने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाएंगे किस किस पॉइंट्स में। हम लोग यहाँ पे जनरल फीचर्स देख लेंगे, क्या देख लेंगे, जनरल फीचर्स को जान जाएंगे, जिसमें यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट होते हैं यानी प्रोटिस्टा के बारे में जान लेंगे, एंड उनके पोजिशन देख लेंगे, आउटलाइन पोजिशन को डील कर लिया जाएगा, एंड जनरल स्कीम को देख लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशंस को डील कर लेंगे, जान जाएंगे कि आखिरकार जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं यूनिसेलुलर के, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद हम लोग पूरे पूरे प्रोटोजोआंस की समरी जान जाएंगे क्लासिफिकेशन के फॉर्म में, एंड आगे चलेंगे तो प्रोटोजोआ का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है उनके बारे में जान जाएंगे, एंड उनके स्पेशल कैरेक्टर यानी जो हमने जीए बताया यानी जनरल अकाउंट के बारे में भी आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे, कब, यूनिट खत्म होने के बाद। एंड आगे चल के हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वेरियस टाइप के प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआंस जो हमारे ग्रुप होते हैं उनको देखेंगे, एंड उनके कैरेक्टर्स को भी हम आसानी से क्या करेंगे यहाँ पे डील करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक, चलो गुड मॉर्निंग सबको, नीचे कर लेना। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ लोकोमोशन, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोकोमोशन को जान जाएंगे, जैसे स्पोडिया हुआ, सिलिया हुआ, एंड फैजिला कंप्लीट होता है। ओके प्यारे, अब देखो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स की बात कर लेंगे, अभी बात किया, एंड कौन किसके बारे में, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्रोटोजोआंस होंगे उन पे जान जाएंगे, तो इनको ध्यान देना, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, इनको थोड़ा सा ध्यान देना बड़ा जरूरी होता है कि आखिरकार हमको बाद में क्या क्या जानने को मिलेगा। देखो लोग कहते हैं, गीता में भी लिखा गया है, तुम लोग भी जानते हो, कहते हैं कि काम करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन हमारे हिसाब से वो सरासर गलत है, ठीक, पहले फल की इच्छा करो फिर काम करो, ठीक, बिना गोल का कुछ होने वाला नहीं है, पहले गोल डिसाइड कर लो कि जाना कहाँ है, मतलब हिमालय जाना है, अब तुम कन्याकुमारी जाओगे, ठीक, किधर जाओगे, कश्मीर की तरफ, ठीक, तो कन्याकुमारी ना जाओ, वो पहले गोल डिसाइड करो कि जाना कहाँ है, ट्रेन में बैठ गए, टिकट में, टिकट काउंटर पे जाके बोल रहे हो कि हमको टिकट दे दो, वो पूछेगा कहाँ का, तुमको पता है नहीं, हमको जाना है, कहाँ जाना है, पहले पता करो जाना कहाँ है, ठीक। तो इसलिए हम अपने चैप्टर्स के अंतर्गत यही बताते हैं कि पढ़ना क्या है और पढ़ने के बाद आपको मिलेगा क्या, ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी बिता दिए, ठीक, बाद में क्या हुआ कि आप किसी चीज के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो ये प्रक्रम, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस आपके साथ नहीं होना चाहिए, पहले गोल डिसाइड करो, उसके बाद लगातार काम करो, जरूर सफल हो जाओगे, गारंटी है, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं बेटा हम लोग अपने प्रोसेस के अंतर्गत, सबसे पहले देखेंगे कैरेक्टर्स, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जनरल कैरेक्टर्स को डील कर रहे हैं, और इसी जनरल कैरेक्टर्स में ठीक ठाक दिख रहा है ना, आईडियो वीडियो क्लियर है ना, सबको क्लियर होगा, एक बार हम भी देख लेते हैं, चलो ठीक ठाक है, चलो आ गया। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स में, जनरल कैरेक्टर्स में हमारा पहला पॉइंट क्या जाता है, पहला पॉइंट हमारे पास आता है क्या, कि द नेम प्रोटोजोआ, आखिरकार प्रोटोजोआ का मतलब क्या है, प्रोटोजोआ का मतलब है यहाँ पे प्रोटो की बात मतलब फर्स्ट, और जोआ के मतलब जोन के मतलब क्या लिया गया है यहाँ पे एनिमल, यानी फर्स्ट एनिमल जो होगा उसको हम लोग प्रोटोजोआन बोलेंगे। एंड आगे बात करते हैं, ये जर्मन, ध्यान देना, ये जर्मन का कोई साइंटिस्ट था, ठीक, ये नेचुरोलॉजिस्ट था, नेचुरोलॉजिस्ट मतलब होता है नेचर को जानने वाला, क्या नेचर के बारे में जानने वाला एक साइंटिस्ट था, ठीक। अब उनके यहाँ पे गोल्ड फर्स नाम था इनका, क्या था, गोल्ड फर्स नाम था, 1818 में इन्होंने प्रोटोजोआ के बारे में बताया और उसके नाम को क्या कहते हैं, प्रपोज किया, दिया, ठीक। आगे दूसरे फॉर्म में क्या, यहाँ पे हमारा पहला, ऐसा नहीं, दूसरा इसको कर लो, ठीक। अब या अब क्या कहता है, कहता है जो प्रोटोजोआ होते हैं, क्या होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ को सही तरीके से डेवलप करने के लिए, यानी यूनिसेलुलर है, ठीक, और इन चीजों को बताने के लिए यहाँ पे साइबिडेन आए, ठीक। और ये कब आए, ये आए 1845 ईस्वी में आए, तो देखो काफी दिनों बाद, लगभग 30 कम से कम 28 कितना हुआ, 28, ठीक, इतने सालों बाद लोगों ने कहीं ना कहीं प्रोटोजोआ के बारे में लोगों ने काफी अच्छा बताया, मतलब डिस्कवरी कौन की है, आपसे पूछेगा डिस्कवरी कौन की है, तो गोल्डफर्स ने किया 1818 में, उसके बाद प्रोटोजोआ को सही तरीके से नेमिंग कौन किया, ठीक,
क्लासिफाई करते हुए उसको हमारे पास, इसको बोलते हैं सीबोल्ड। क्या सीबोल्ड की बात करते हैं? सीबोल्ड ने इसको सही तरीके से यूनिसेलुलर के ओनली टू यूनिसेलुलर फॉर्म एनिमल लाइफ, मतलब जो इनके एनिमल्स होते हैं, किसके एनिमल्स होते हैं, प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स होते हैं, प्रोटोजोआ के एनिमल्स केवल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इतना याद रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट्स की। अगला पॉइंट्स हमारे बात कह रहा है जो टर्म है, क्या है जो टर्म की बात कर रहा है, जो टर्म प्रोटोजोआ है वो यूज हो रहा था ये जो फाइलम के रूप में लगभग 100 साल पहले से ही, मतलब ये लोग जब काम करना स्टार्ट किए इससे 100 साल पहले से ही का ये पूरा पूरा किंगडम सिस्टम आ गया था। ठीक, ये चीज आया गया। लेकिन जो क्लासिफिकेशन एरिया रहा, क्या जो क्लासिफिकेशन एरिया रहा, इनसे 100 साल बाद काम करना स्टार्ट किया, बोल रहा है कि बट अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ लाइफ बाय ह्यूटेकर, आपने ह्यूटेकर को देखा होगा, ह्यूटेकर ने 1969 में कहीं ना कहीं प्रोटोजोआ को, ठीक, प्रोटोजोआ को अपने फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर इनबिल्ट कर दिया। अब उसके बाद उनको सेपरेट फाइला के रूप में, क्या सेपरेट फाइला के रूप में इंक्लूड किया। उस फाइलम का नाम क्या था? उस फाइलम का नाम था प्रोटिस्ट। क्या था? उस फाइलम को प्रोटिस्ट बोलते हैं। तो ध्यान देना, हमारा जो फाइव किंगडम सिस्टम था, क्या था? फाइव किंग, अब तो सिक्स हो गया, पढ़ाऊंगा किसी फाइव, पूरा पूरा सिक्स किंगडम सिस्टम जो हमारा व्हिटेकर के द्वारा, ठीक, फाइव किंगडम सिस्टम लाया गया था। उस फाइव किंगडम सिस्टम में हमारे पास क्या थे? और जो आपके 1969 में आए थे, प्रोटोजोआ को अलग सेपरेट एक फाइलम के अंदर, सॉरी किंगडम के अंतर्गत रख दिया, जिसको हम लोग क्या बोल दिए? प्रोटिस्ट का नाम दे दिए। ठीक, अब ध्यान दो आगे क्या चलते हैं, आगे चलते हैं कि बोल रहा है कि ऑल प्रोटोजोआंस, क्या सभी के सभी जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सिंगल सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल सेल्स, यानी इनका पूरा पूरा जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक होगा। नोट कर लेना, कैसा होगा? प्रोटोप्लाज्मिक इनका ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एनिमल लाइफ यूकैरियोटिक्स, सिंगल सेल्स होंगे लेकिन यूकैरियोटिक्स होंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एंड बाकी सिस्टम्स इनमें देखने के लिए हल्के से मिल जाते हैं। ठीक, और कैसे होंगे? ये प्रिमेटिव होंगे। कैसे होंगे? प्रिमेटिव होंगे। ठीक, इस चीज को आप ध्यान देना। और ध्यान दो, आज के समय भी प्रोटोजोआ के एनिमल हमारे एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिल जाते हैं, बट माइक्रोस्कोप के द्वारा। आगे बोल रहा है कि द साइंस ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड, ठीक, प्रोटोजूलॉजी। तो प्रोटोजूलॉजी जो है, अभी देखो इसी से एमएससी भी होती है प्रोटोजूलॉजी से, तो आपको ध्यान देना। ठीक, क्या कि जो प्रोटोजोआ की स्टडी जिस साइंस के ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजूलॉजी का नाम देते हैं। नोट करना, मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं कि ये आपके साथ नोट जाना चाहिए। आप पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, ठीक, नोट करते रहो, आपको आराम रहेगा, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। वैसे मैं तो गंदा कर देता हूं पूरा, लेकिन दिख जाता है। ठीक, अब उसके बाद जो स्टडी करेंगे उनको क्या बोलेंगे? जूलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जूलॉजिस्ट। वो हमको बचपन की देने आ जाती है, जब हम लोग ट्वेल्थ में हुआ करते थे तो हमारे गुरुजी हुआ करते थे, ठीक, वो हम लोग को बायोलॉजिस्ट बोलते थे, मतलब समझ रहे हो, जीव विज्ञान को जानने वाले जो लोग होते हैं उनको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटोजोआ क्या है, जो प्रोटोजूलॉजी है, या यहाँ पे प्रोटोजूलॉजी की बात कर रहा है, इसको जानने के लोग की बात करेंगे वो हमारे पास क्या होगा? जूलॉजिस्ट की बात करेंगे, वो भी स्पेशलाइज्ड होते हैं इन पूरे पूरे ब्रांच में, ठीक, जो प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं। और यहाँ पे स्पेशली देखा जाएगा कि जो प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोजूलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोजूलॉजिस्ट बोलते हैं, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। तो दो टर्म आएगा यहाँ पे, एक टर्म आएगा जूलॉजी के लिए तो जूलॉजिस्ट होगा, दूसरा यदि प्रोटोजूलॉजी को उन्होंने स्टडी किया है, डीपली स्टडी किया है, हम लोग उनको प्रोटोजूलॉजिस्ट के नाम से जानेंगे। ये पॉइंट्स याद रहेगा, यस और नो कमेंट जरूर करना, बाद में हम कमेंट देखेंगे। ठीक, आगे आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ बेटा। तो अगले प्रोसेस में हमारे पास सातवां नंबर आता है, बोल क्या रहा है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं जिसकी हम हाइब्रिड की बात करें, ठीक, मतलब इसके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो कैसा होगा? ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल्स के होते हैं, मतलब इनकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है कैसे होती है? प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं, मतलब जो इनकी सेल्स के आउटर लेयर पे केवल एक क्या मेम्ब्रेन होता है,
प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है एंड उनके अंदर एक सेल होता है जिसमें ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं, जस्ट लाइक एक ऑर्गन के जैसा। ठीक, एंड बात करेंगे अगले पॉइंट्स में। ठीक, इनका जो बॉडी सिमेट्री होता है कैसा, बॉडी सिमेट्रिकल होता है। एंड कोई कोई हमारा अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे ना एसिमेट्रिकल कंडीशंस में होंगे, ये फ्री लिविंग होते हैं। ठीक, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक, अकेले अकेले जी लेते हैं। एंड ये पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक का मतलब ज्यादातर नहीं, सब लोग पैरासिटिक नहीं होते, लेकिन हाँ प्रोटोजोवा के लगभग लगभग 90% जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे पास सिंपल कैटेगरी दिखाते हैं जो क्या है, पैरासिटिक टेंडेंसी है। पैरासिटिक देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्जो पैरासाइट, एक होता है इंडो पैरासाइट। एक्जो पैरासाइट मतलब बॉडी के आउटर आउटर लेयर से एनर्जी को रिसीव करना, हमको होस्ट बना के अपने गेस्ट हो जाना, अपने पकौड़ी खाना, हमको ऐसे छोड़ देना। ठीक, लेकिन अब जैसे है ना गेस्ट और होस्ट, अब किसमें किसको लॉस होगा, जो गेस्ट होता है उसको फायदा ही होता है। मान लेते हैं 2 किलो का बर्फी लेके आए हो, लेकिन खाओगे कितना ये भी ध्यान दिया करो। ठीक, तो गेस्ट हरदम फायदे में रहेगा। ठीक, बाद में जाएगा भी 2 दिन बाद ना, तो उसको अच्छे से विदाई की जाएगी उसको। ठीक, 500 रुपए भी दिया जाएगा उसको। लेकिन जो होस्ट होगा बेचारा, उसको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा थोड़ा ना, उसका तो पकौड़ी भी गया, चाय भी गया, ठीक, रात को खीर भी गई, 500 रुपए भी गया, बेचारा 2 किलो बस बर्फी खाया। ठीक, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे ज्यादातर ये क्या करते हैं, जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं वो होस्ट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, होस्ट बना लेते हैं। और ये 2 टाइप के होस्ट बनाते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, मतलब हमारे जैसे जूग हो गया, खटमल हो गया, ठीक, और लीच हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, लेकिन ये प्रोटोजोआ नहीं है, जस्ट लाइक एग्जांपल बता रहा हूं। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास स्कैरिस हो गई, प्लाज्मोडियम हो गया, ट्रिपेनोसोमा हो गया, ठीक, एंटीबायोस्टोलिटिका हो गया, और ठीक, ये सब क्या है, ये सब इंडो पैरासाइट्स है, मतलब बॉडी के अंदर रह के हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें रह के हमारे को क्या करते हैं, हमको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, हमारे न्यूट्रिशन लेवल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं बेटा, अगले फॉर्म में क्या कह रहा है, कह रहा है कॉमन फ्री लिविंग, मतलब ये कॉमन तरीके से, सामान्य तरीके से फ्री लिविंग करते हैं। और जो प्रोटोजोआ और अमीबा की बात कर रहा है, अमीबा को देख लो, यूग्लिना को देख लो, वहां पे वॉलवॉक्स को देख लो, एंड पैरामेक्सिम्स को देख लो, ये सारे के सारे मिल जाएंगे। अब इनका सब ग्रुप होता है, क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जू फाइटो, ध्यान देना। तो इनको एक चीज तो हमको क्लियर ही नहीं होता, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम करती है कि यहाँ पे लोगों ने अलग अलग ग्रुपिंग दिखाया है। एक को क्या होता है मैस्टिगोफोरा, एक जू मैस्टिगोफोरा। ठीक, तो मैस्टिगोफोरा एंड जू मैस्टिगोफोरा ये फैजिला के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या किया, चलो देख लेते हैं। ठीक, इनका एक सब ग्रुप निकाल के दे दिया गया। ठीक, क्या जू और फाइटो और एसिन के बारे, मतलब एनिमल्स के बारे में इन्होंने एक ग्रुप निकाल के दिया, वो कब, ये लगभग लगभग 1845 में दिया गया था, जिसमें लगभग लगभग ऐसा मानते हैं कि 100 से ज्यादा स्पीसीज रखे गए थे। ठीक, इनको स्पेशल रोटिफर्स एंड जो हमारे पास क्या रोटिफर्स एंड ओल्ड नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दोनों ने लगभग 1845 में पूरा एक सब का ग्रुपिंग का ऑर्डर किया, और इस पूरे यूनिट में दंदना। ठीक, फ्रॉम यूनिट में क्या रखा गया, पैरासिटिक जितने भी एनिमल थे, क्या थे, पैरासिटिक को अलग कर दिया गया, नॉन पैरासिटिक को अलग कर दिया गया। मतलब जो आप देख रहे हो, अमीबा को देख रहे हो, ठीक, यूग्लिना देख रहे हो, वॉलवॉक्स देख रहे हो, यहाँ पे हमने पैरामीशियम देखा, ये सब हमारे कैसे थे, ये नॉन पैरासाइटिक कंडीशन थे। लेकिन आगे क्या बता रहा है कि पैरासाइटिक टेंडेंसी की बात कर रहा है, तो किसमें जियोडिया आ जाएगा, जियोडिया लैमिला, एंटीमिबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपैनोसोमा जिसको ट्राइक्योमोन्स बोलते हैं, यहाँ पे लैस्मिनिया। तो ये कुछ हमारे जो है, ये एटीसी कर लो, ये सब पूरे पूरे पैरासाइटिक कंडीशंस होते हैं। इनको सब ऑर्डर में, मतलब एक सब ग्रुप के अंदर इनको भर भर के पैक कर दिया गया, भाई साहब तुम अलग हो जाओ, तुम लोग पैरासाइटिक हो, तुम लोग अलग हो जाओ, तुम लोग नॉन पैरासाइटिक हो, तुम लोग कैसा हो जाओ, तुम लोग अलग हो जाओ। ठीक, अब बात करते हैं बेटा अगले फॉर्म में, अगले फॉर्म में क्या बोल रहा है, अगले फॉर्म में कॉमन प्रोटोजोआ, ट्रिपैनोसोमा भी आ जाएगा, प्लाज्मोडियम भी आ जाएगा, एंड यहाँ पे बेला न्यूटोडियम जो है ये भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सब कॉमन प्रोटोजोआ है जो सब जगह देखने के लिए मिलते हैं वर्ल्ड वाइड टेंडेंसी में। ओके, आगे बोर नहीं हो रहे ना, आगे चलो।
यहाँ पे मेजोरिटी की बात करते हैं, मेजोरिटी ऑफ रुझुआंस और सोलिटरी होंगे। चलो भाई इसको तो देख लेंगे, ठीक। बट सेम लाइक यहाँ पे वॉल्वर, ठीक। अब देखो वॉल्वर एंड यहाँ पे बात करें कॉलोनियल कॉलोनियल की, ठीक। मतलब एक समय से देखें तो ये साथ साथ भी रह सकते हैं, कैसे साथ साथ भी रह सकते हैं और अलग अलग भी रह सकते हैं, ठीक। लेकिन वो सब नहीं, अलग अलग ग्रुप के अंतर्गत कुछ एनिमल जो होंगे वो आपस में चैन लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ 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 रहते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग सेपरेट सेपरेट होंगे, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है 12वें नंबर पे, बोल रहा है कि थ्री मतलब यहाँ पे देयर आर थ्री मेनी टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। मतलब यहाँ पे तीन टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेगा, किसमें, हमारे प्रोटोजोआ के अंदर। पहला क्या है, पहला हमारे पास है यहाँ पे स्पोडिया, यानी इसको हिंदी में कहते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं इसको, कूटपाद का नाम देते हैं। आपने 12 में पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड के होंगे तो कूटपाद यहाँ से मिल जाएगा स्पोडिया का, जो कहाँ मिलने देखने को मिलेगा, वो अमीबा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अमीबा के अंतर्गत मिलेगा। और दूसरा फैजिला, जो फैजिला होगा जिसको हम शायद कसाब बोलते हैं, ठीक। अब ये कहाँ मिलेगा, ये युगलना मिल जाएगा, ट्रिपेनोसोमा मिल जाएगा। युगलना में एक को और ट्रिपेनोसोमा में भी एक को, ठीक। आगे सिलिया मिलेगा, सिलिया कहाँ मिलेगा, पैरामीशियम के अंतर्गत, ठीक। जैसे देखो ना, ऐसा पैरामीशियम होता है, यहाँ पे पूरा पूरा सिलिया होता है, हम पढ़ाएंगे भी इसको तो बड़ा आसानी से भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। और युगलना है तो युगलना क्या मिलेगा, इसकी ऐसी बड़ी सी पूंछ होगी, यहाँ से इसकी बॉडी ऐसे करके होगी, ठीक, ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है ये फैजिला है। अब बात करेंगे स्पोडिया का, तो जो हमारे पास क्या है, पूरा अमीबा है, अमीबा का जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है इसी को तो हम बोलते हैं स्पोडिया, ठीक। आगे आगे क्या बोल रहा है, 13 नंबर बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वेरियस फॉर्म वन एंड सेवरल। मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो ज्यादातर एक देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो हमारा पैरामीशियम होता है उसमें दो न्यूक्लियाई होता है, एक माइक्रो एक मैक्रो, ठीक। मतलब गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक, ठीक। मतलब एक माइनर होगा एक मेजर होगा, ठीक, इस चीज को ध्यान देना। मतलब एक न्यूक्लियाई भी देखने को मिलेगा, हो सकता है एक से अधिक यानी दो तीन न्यूक्लियाई देखने के लिए मिल जाए। एंड इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगला बोल रहा है, 14वां बोल रहा है सेम प्रोटोजोआ लाइक पैरामीशियम, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, जो पैरामीशियम्स होते हैं उनमें दो यानी ये स्पेशल डाइमॉर्फिज्म क्या होते हैं, डाइमॉर्फिज्म होते हैं, यानी इसमें दो न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे और दोनों के कैरेक्टर कैसे होते हैं स्टूडेंट, अलग अलग होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, अगला फॉर्म 15वां कह रहा है, यहाँ पे डिफरेंट मोड मिल जाते हैं किसके, न्यूट्रेशंस के, कौन से फॉर्म, होलोजोई अमीबा के अंतर्गत, यहाँ पे स्टेप्रोफाइट होलोजोई किसके रूप में वो मिलेगा, यहाँ पे मैस्टिगो, यहाँ पे क्या है मैस्टिगो अमीबा, मैस्टिगो अमीबा के अंतर्गत हमारा कैसा मिलता है, हमारा स्टेप्रोफाइटिक होलोजोई मिलता है। लेकिन जो नॉर्मल अमीबा है उनमें क्या, अमीबा प्रोटियस की बात कर रहा हूँ, उनमें हमारा होलोजोई न्यूट्रिशन देखने के लिए मिल जाता है। और जस्ट लाइक जो हमारा युगलिना है, क्या है, जो हमारा युगलिना है, युगलिना के अंतर्गत क्या मिलेगा, उसमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्रोसेस होते हैं, क्यों, कि जो युगलिना है वो प्लांट एंड एनिमल के बीच का किंगडम है, ठीक। एंड अगले की बात कर लेते हैं, अगला क्या है, अगला आसमो रेगुलेशन, यानी आसमो रेगुलेशन भी होगा, टेक प्लेस एंड प्रोटोजोआ विथ द हेल्प कंट्राइल वैक्यूल। आपने संकुचनशील रिक्ति का देखा होगा, क्या देखा होगा, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक, कि कंट्राइल वैक्यूल की बात कर रहे हैं, संकुचनशील रिक्ति का देखे होंगे, जो संकुचनशील रिक्तिकाएं होती हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत वो क्या करती हैं, वो आसमो रेगुलेशन का काम करती हैं, क्या करती हैं, आसमो रेगुलेशन का काम करती है, इस चीज को आपको याद रहे, ठीक। आगे बोल रहा है कि प्रेजेंट इन फ्री लिविंग और सेंट इन पैरासाइट्स, यानी जो कंटाइल वैक्यूल होता है, जितने भी, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को ध्यान दे के जाना, ठीक, जितने भी हमारे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोजोआ के उनमें कंटाइल वैक्यूल पाया जाएगा, लेकिन जितने भी पैरासाइटिक टेंडेंसी के लोग होते हैं उनमें कंटाइल वैक्यूल नहीं पाया जाएगा। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट ने, इतनी बार पूछता है एमएससी जैसे क्वेश्चन में, मल्टीपल टीजीटी के लिए, हम नेट के लिए बात करें, हम लोग आगे बात करें एमएससी के लिए, तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा अमीबा के अंतर्गत पूछा जाएगा या फिर वो डायरेक्टली आप फ्री लिविंग की बात कर लो, कि फ्री लिविंग अलग टेंडेंसी दिखाएगा और हमारे पास जो पैरासाइटिक होगा अलग, ठीक। पैरासाइटिक में कंटाइल वैक्यूल अब्सेंट होता है, लेकिन जो हमारे फ्री लिविंग होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है।
एंड बात करेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, हम लोग गैसियस एक्सचेंज की बात करेंगे। गैसियस एक्सचेंज एंड जो एक्सक्रीशंस होते हैं वो डिफ्यूजन मेथड द्वारा होते हैं। तो मेथड याद रखना कि ये केमिकली प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, ठीक। डिफ्यूजन को देखे होंगे, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव द एनी केमिकल पार्टिकल्स, यही है, ठीक। तो जो हमारे केमिकल पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस में, ठीक। आगे बोल रहा है कहां से करेंगे, ये करेंगे बॉडी सरफेस से। कहां से करेंगे, बॉडी सरफेस से करेंगे, हमारे यूग्लिना के अंदर, ठीक। यूग्लिना के अंदर ये लोग करेंगे, ठीक। इस चीज को आप ध्यान दो थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, एक मिनट, ठीक। चलो ठीक आगे बढ़ते हैं 18 के नंबर। यहां पे अगला बोल क्या रहा है कि आखिरकार इसका पूरा जो एक्सक्रीशन होगा वो डिफ्यूजन, तो भैया आप करा लिए सर, आपने डिफ्यूजन से बता दिया, बट क्या है कि जो हमारे पास डिफ्यूजन होता है वो नाइट्रोजिनस जो मटेरियल होते हैं, यानी कभी पूछे कोई कि इनसे कौन सा मटेरियल वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है इनके बॉडी से, तो आपको एक नाम याद होना चाहिए, वो कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट के रूप में इनका मटेरियल बाहर निकलेगा किसी भी जोवा के फॉर्म में, वो भी किस फॉर्म में, उनका केमिकल का नाम है अमोनिया, किसमें, अमोनिया यानी NH3 के फॉर्म में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देके जाना, ठीक। आगे बोल रहा है कि हमारे पास जो प्रोटोजोआंस होते हैं, क्या जो प्रोटोजोआंस होते हैं उनमें स्पेशली की बात करें, क्या उनमें यहाँ पे जो अमोनिया है, अमोनिया में इस पे देखते हैं क्या सील्ड होते हैं, क्या होते हैं, अमोनिया सील्ड होते हैं, सॉरी जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं वो सील्ड होते हैं किसके किसके फॉर्म में, स्पेशली यहाँ पे देखा जाए तो ऑर्सिला है, ठीक, और डिफ्लुजला है, उसके बाद यहाँ पे एम्फी और डाइम है, तो ये करके कुछ इसको देख लेना थोड़ा सा ध्यान से, ठीक। वैसे नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बस दे दिया गया है कमेंट में, अगर आया है नॉर्मल और जनरल कैरेक्टर में, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे फॉसिल्स की बात करते हैं कि ये फॉसिल्स फॉर्मेशंस भी करते हैं, क्या फॉसिल्स फॉर्मेशंस भी करते हैं हमारे प्रोटोजोआ, ठीक। आगे बात करेंगे यहाँ पे बोल रहा है 21 में कि यहाँ पे कंटीन्यूअस, क्या कंटीन्यूअस इंटरनल स्केलेटन, क्या जो इंटरनल स्केलेटन है इनके बॉडी के अंतर्गत वो कैसा देखने को मिलेगा, वो बिटवीन एक्टोप्लाज्म, क्या एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म के रूप में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक। जो हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे टिपेनोसोमा है, ठीक, और उसके बाद हमारा कह सकते हो कि पैरामीशियम है, इसके अंदर दो प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन मिलता है, कौन कौन, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म बाहर की ओर हाइयर कंसेंट्रेशन और एंडोप्लाज्म अंदर की ओर लोअर कंसेंट्रेशन, जो इनके बॉडी में कहीं ना कहीं क्या करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा बिहेव करता है, ठीक। आगे बात करें अगले नंबर पे, कह रहा है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, प्रजनन करना बड़ा जरूरी है क्योंकि किसी स्पीशीज का रिप्रोडक्शन उनके मायने रखता है, ठीक। तो प्रोटोजोआ में स्पेशली कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, ए सेक्सुअल होगा और सेक्सुअल भी होता है, लेकिन बता दें आपको कि 90% केस जो होंगे वो ए सेक्सुअल होंगे और 10% केस ही जो होते हैं वो सेक्सुअल के होंगे, ठीक। आगे बात कर रहा है डिफरेंट टाइप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आखिरकार भैया इनका इतना भी काम नहीं चलेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी किसमें, बाइनरी फ्यूजन्स में, सिंपल बाइनरी फ्यूजन्स के अंतर्गत देखा जाए किसमें किसमें करेंगे, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ठीक, वो फ्यूजन करेंगे अमीबा में कर लेंगे, पैरामीशियम में कर लेंगे, एंड लॉन्गिट्यूडनल किसमें, सॉरी पैरामीशियम में लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक, यूग्लिना में भी लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक, पैरामीशियम में ट्रांसफर भी होता है, एंड जो लॉन्गिट्यूडनल देखने के लिए कहां मिलेगा, ट्रिपेनोसोमा मिल जाता है, ठीक, एंड यहाँ पे अलग जो एनिमल्स होते हैं, ठीक, अलग एनिमल्स में अलग अलग कैटेगरी के कहीं ना कहीं हमको देखने के मिलेंगे क्या, पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम। आगे क्या बात कर रहा है, अगला नंबर है, कह रहा है बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोजोआ इनटू द, मतलब क्या कह रहा है, इनटू टू आर मोर सिमिलर मल्टी सेलुलेट डॉटर्स, मतलब एक साइज समझना, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जब उनका छोटा सा बच्चा बनता है तो वो भी कैसा होगा, वो भी मल्टी सेलुलर होगा, कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा, वो भी कैसा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोटोमी, कैसा,
प्लाज्मोटोमी, ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप याद कर लेंगे। ओके अब बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट नंबर 25 की। पॉइंट नंबर 25 में क्या कह रहा है, ये बडिंग भी करते हैं। कैसे करते हैं, बडिंग भी करते हैं। ठीक, बडिंग जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन जैसा देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, और इनके भी जो डॉटर सेल्स होते हैं क्या, ये सिंगल एंड मिलिन मिनी और न्यूक्लियाई के इनके डॉटर सेल्स बन सकते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे डॉटर सेल्स, एक लाइन सुनो, तो डॉटर सेल्स जो होगा वो स्पेशली एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी होगा, कब, जब वो बर्डिंग करेगा तब। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मल्टीपल फ्यूजन, यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन देखने मिलता है, इसको हम लोग साइजोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइजोगैमी बोलते हैं, स्पोरिलेशन के नाम देते हैं, स्पोर फॉर्मेशन इज ए कॉमन इन, जो हमारा क्या है यहाँ पे फोरा बोलता है, फोरा मॉर्नी, क्या फोरा मॉर्नी फेरा है, क्या है फॉर्ना फॉरा मेनी फेरा है, इसके अंतर्गत आपको देखने मिल जाएगा क्या, स्पोरिलेशन एंड साइजोगैमी देखने के लिए मिलेगा। ठीक, स्पेशली जो हमारे स्पोरो जुआ होते हैं, स्पोरो के जुआ के अंतर्गत मैस्टिगोफोरा है, इसमें काफी सिम्टम मिलते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो आपको डील करा दूंगा। ठीक, अगले नंबर चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स होता है गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए, आपको पता है जब तक गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक, तो आपको ध्यान देना यहाँ पे, तो हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तब, गैमेट फॉर्मेशन आगे चल के क्या करेंगे, जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे किसी भी प्रोटोजोआ बॉडी के अंदर। आगे क्या बोल रहा है कि इन मोस्ट प्रोटोजोआ द एसेक्सुअल, ठीक, मोर कह रहा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ज्यादातर प्रोटोजोआ वही सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, यानी वही रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं, स्पेशली वो हैप्लॉयड होते हैं, यानी एक्स के फॉर्म में होंगे। ठीक, आगे बोल रहा है कि टू कॉमन, क्या टू कॉमन टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी दो सामान्य तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सनगैमी, ठीक, इसमें फ्यूजन आ जाएगा टू सेक्स सेल्स, ठीक, टू सेक्स सेल के अंतर्गत सेलुलर यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा सनगैमी के फॉर्म में, एंड यहाँ पे हमारा टू सेक्स सेल के द्वारा। ठीक, एंड यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है, आपने देखा होगा ये हमारा पैरामीशियम है, पैरामीशियम का कॉन्जुगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये टेम्पोररी कनेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं, टेम्पोररी कनेक्टेड, यानी दो ऑर्गेनिज्म टेम्पोररी कनेक्टेड हो जाएंगे और वहां से नए डॉटर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक, और यहाँ बोल क्या रहा है कि बोल रहा है कि यहाँ पे इंक्लूड्स होंगे विथ न्यूक्लियर एक्सचेंज, उनका न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है वो भी ट्रांसफर लेवल पे, कैसे, वो भी ट्रांसफर लेवल पे। ठीक, अब बात करते हैं आज के क्लास की अंतिम छोर पे, तो हमारा क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, क्या हमारा क्लास कंप्लीट हुआ, हो गया पूरा पूरा, तो कैसा लगा ये पूरा वीडियो, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, एंड आप पूरा पूरा अपना ध्यान रखें, मिलते हैं कल के क्लास में ठीक इसी टाइम, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।